महाराष्ट्र रे कांग्रेस को लगातार झटका। मिलिंद देवरा और बाबा सिंदिकी चौहान छाड़े हाथ। दीर्घ दिन हम कांग्रेस को नहीं असंतुष्ट, दल छाड़ीदे महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री अशोक चौहान। महाराष्ट्र में महाविकाश अघाड़ी मेंटर स्थिति टलमल। लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु कांग्रेस को एक बड़ झटका लगी। महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ राजनेता अशोक चौहान कांग्रेस प्राथमिक सदस्य पदर इस्तीफा देते। से खूब शीघ्र बीजेपी में सामिल हो पारती चर्चा जोर धरी। लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा निर्वाचन पूर्वर यह कांग्रेस बड़ झटका रूपे देखा जा। मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर। तबे अशोक चौहान 2008-10 महाराष्ट्र मुख्यमंत्री थे। बापा एसपी चौहान पूर्वतन केन्द्र मंत्री थे। आदर्श बिल्डिंग्स काम रे तांको ना आसीबा परे तांको मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देबा को पड़ीतिला। या परे 2014 रे लोकसभा निर्वाचन रे जीती थिले एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस रा सभापति करा जायतिला। कुछ लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाता है। वो जाते हैं, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनके योग्यता से भी ऊपर दिया है, पर उनके जाने से दरवाजे खुल जाते हैं और लाखों युवा जो मौका नहीं मिला उनको इन वरिष्ठ नेताओं के कारण, जाने माने नेताओं के कारण, उनको नए मौके मिल जाते हैं। सबटा चौहान बीजेपुर राज्यसभा जाई परंती बोली कहा जाउची। तांको सहित 10-12 विधायक मध्य दल बदलाई परंती बोली चर्चा हेउची। या पूर्वरु महाराष्ट्र कांग्रेस रो दुई वरिष्ठ नेता बाबा सिंदिक एवं मिलिंग देवरा कांग्रेस छाड़ी थे। कांग्रेस रु विदा कहिबा परे महाराष्ट्र रे विरोधी मेंट महाविकाश अगड़ी रो स्थिति एवं टलमल नहीं चर्चा होउची। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।